जय जिनेंद्र, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इंग्रेडिएंट से बहुत सारी चीज़ें बनाने जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक कटोरी मलाई ली है, ये लगभग 500 ग्राम्स के बराबर है। इसको मैं कढ़ाई में हाथों से चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मलाई हमें ठंडी ही लेनी है, आप चाहें तो इसे हैंड मिक्सी से या मिक्सर जार में भी अच्छे से फेंट सकते हैं। मैं यहाँ हाथों से ही करके आपको दिखा रही हूँ। जब हम इसको लगातार इस तरह से चलाएंगे तो ये थोड़ी थोड़ी टाइट होने लग जाएगी और इस तरह से हमारे पास ये तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर से हम इसको और फेंटेंगे तो दूध और मक्खन अलग अलग हो जाएगा। मक्खन से निकले हुए दूध को हम एक साइड रख देंगे और इस मक्खन से अगर हमें तुरंत ही कुछ बनाना है तो हम उससे बना लेंगे, लेकिन यहाँ मैं अभी इसको पिघलाकर इससे घी बना रही हूँ। उसके लिए इसको वापस से मैं गैस पर चढ़ा रही हूँ। इसके बाद इसको चम्मच से बीच बीच में हिलाते रहेंगे तो इस तरह से हमारा मक्खन पिघलने लगेगा और धीरे धीरे उसके अंदर से वाइट वाइट दाने आएंगे और बाद में घी और मावा हमारा अलग होने लग जाएगा। यहाँ मैं मलाई को एक नॉनस्टिक कढ़ाई में कर रही हूँ। आप अगर दूसरे बर्तन में भी करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि कढ़ाई हमारी थोड़ी मोटे पैंदे की हो, साथ ही हम उसको बीच बीच में चलाते रहें ताकि हमारा मावा भी एकदम वाइट रहेगा और घी हमारा जलेगा नहीं और बहुत ही अच्छा हमारा गाय का घी मलाई होने से बिल्कुल शुद्ध प्योर हमारा घी बनकर तैयार है। अब इसे मैं एक कॉटन के कपड़े की मदद से जिस बर्तन में मुझे निकालना है मैं इसको अच्छे से छान लूँगी और किसी चीज़ से दबाकर हम पूरी तरह से कपड़े से घी और मावा अलग कर लेंगे। जो हमारा घी है अब छनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, हमारे पास गाय का घी बनकर बिल्कुल तैयार है। यह लगभग 400 ग्राम्स के लगभग घी बन गया है। अब जो कपड़े में मावा बचा था और जो मक्खन के साथ हमारा दूध अलग हमने रखा था उन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार फिर से उसको मैं गैस पे चढ़ा रही हूँ। अब इसको मीडियम फ्लेम पे मिक्स करते हुए हम दोनों को अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी आंच पर पका लेंगे। इस तरह से चम्मच से बार बार हिलाने से जो हमारा मावा तैयार होगा वो एकदम स्मूथ होगा, दानेदार टेक्सचर नहीं होके बीच बीच में उसमें दाने गांठे नहीं होगी और एकदम अच्छा स्मूथ हमारा मावा तैयार हो जाएगा। बस ध्यान रखना है कि हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है, चिपकना नहीं देना है और साथ ही जब ये इसका दूध सारा रिड्यूस हो जाएगा तो इस तरह से इस स्टेज में हम गैस बंद कर देंगे और हमारे मावे को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हम चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, पर मैं आज यहाँ पर आपको एक मिठाई बनाकर दिखा रही हूँ। इस मावे से हम घर पर कोई भी बर्फ़ी या गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। यहाँ मैं आज आपको इससे पेड़े बना के दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने जितना मावा है लगभग उससे आधी शक्कर इस मावे में अच्छे से मिक्स कर ली है। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे और ध्यान रखना है कि हमें फ्लेम इसकी तेज ही रखनी है, मीडियम से हाई फ्लेम पे ही हमें इसे चलाते हुए मिक्स करना है। जब ये थोड़ा पकेगा तो इसका टेक्सचर कलर थोड़ा ब्राउनिश हो जाएगा और इसका जो है कढ़ाई हमारी इसमें थोड़े थोड़े बुदबुदे आएंगे और ये कढ़ाई अपने आप छोड़ने लगेगा। इस स्टेज में हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बंद करने के बाद भी हमें इसको बीच बीच में इस तरह से मिक्स करते हुए हिलाते रहना है, नहीं तो हमारा ये मावा कढ़ाई में ही जम जाएगा। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो, मतलब रूम टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, तब हम इसके कुछ पोर्शंस बना लेंगे हाथ को ग्रीस करके। जिस साइज़ के हमको पेड़े बनाने हैं उस साइज़ के हम एक बार छोटे छोटे लोए इस तरह से अलग कर लेंगे। फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको एक बार फिर से एक प्रॉपर शेप देते हुए
ऊपर से किसी जाली या छन्नी की मदद से, जैसे मैं यहाँ दे रही हूँ, आप और भी कोई शेप इसके ऊपर मनचाहा दे सकते हैं। इस तरह से हमारे स्वादिष्ट पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अगर आप घर पर घी नहीं बनाते मलाई से और मिठाई नहीं बनाते तो प्लीज़ इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। जय जिनेंद्र।